नमस्कार, आज मैं बनाऊंगी आंबे की सब्जी। ये मैंने आंबियों को काट लिया है और जो गुठलियाँ थी अंदर उनको भी मैंने इसके अंदर ही डाला है, क्योंकि ये बनने के बाद इनको जब खाना खाते हैं तो ये चूसने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। ये मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और फिर जो आम भी काटी थी वो डाल दूंगी। ये झटपट गलने वाली रेसिपी है। इसमें ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और सब्जी में वो बहुत टेस्टी होती है। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा कम नमक डालना है क्योंकि हम इसमें फिर चीनी डालेंगे। और अब मैं इसको ढक दूंगी। दो से तीन मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है और ये देखिए ये बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा डालें, वरना तो कम डालें। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी। इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। सौंफ और धनिया मैंने इनको दरदरा पीस लिया था। सौंफ, सूखा धनिया और कलौंजी, इन तीनों मसालों का यूज़ करें आंबे की सब्जी में तो उसका स्वाद है वो दुगना हो जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। और ये हमारी सब्जी लगभग 5 मिनट में बनकर तैयार है। मैं गैस को करी ऑफ। ये देखिए एकदम लाजवाब आंबे की सब्जी तैयार है। इसमें हमने पानी का यूज़ नहीं किया है। इसे हम कई दिनों तक खा सकते हैं। इसे डालकर आप फ्रिज में रखकर कई दिनों तक खा सकते हैं। रोटी और पराठे के साथ ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।